हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई टेक नॉलेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप अपनी एज मात्र कुछ सेकंड में निकाल सकते हो। जैसा कि दोस्तों अधिकतर फॉर्म अपन भरते हैं तो फॉर्म में आता है कि सिपाही या किसी भी अपन वैकेंसी में अपना फॉर्म भरते हैं तो उस वैकेंसी में आता है कि आपकी न्यूनतम आयु 17 से 5 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से दोस्तों आप अपनी उम्र निकाल सकते हो। तो दोस्तों मात्र कुछ सेकंड में आप अपनी उम्र निकाल सकते हो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हो तो यार अपने चैनल को जैसे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहे सबसे पहले इस वीडियो की जानकारी। दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। जैसे दोस्तों आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हो तो आपको यहाँ पे यूआरएल बॉक्स में आपको एज कैलकुलेटर के नाम से डालना होगा ये। उसके बाद में दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, बस ये ऊपर जो आ रहा है इस साइड के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने एक नया टैब खुलेगा। इसमें आपको आपकी अपनी जन्म तारीख डाल देना है, जो कि आपकी जन्म तारीख है वो डाल देनी है। उसके बाद में दोस्तों आप कैलकुलेट पे आपको कब से कब की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, एज ऑफ डेट ऑफ टाइम एज एट द टाइम कब के लिए आपको पूछिए। तो जैसे आज तक आप कितने साल के हुए तो यहाँ पे आप कैलकुलेट पे क्लिक करते हो। दोस्तों इसमें ऑटोमेटिकली ये बता देगा कि आप 22 साल 6 मंथ और 10 दिन के हो गए हो। अगर देखा जाए मंथ में तो आप 270 मंथ 10 दिन के हो गए हो। इस प्रकार दोस्तों इस पर पूरी डिटेल आ जाती है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल पे आए हो और ऐसे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको मिलते रहे सबसे पहले ऐसे वीडियो की जानकारी। धन्यवाद।